नमस्ते दोस्तों, आप सबको नए साल की, नववर्ष की, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल मोदी जी ने 21 डेज का लॉकडाउन अनाउंस किया और काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज आए, कुछ फ़ोन्स आए एंड कुछ एंग्जाइटी थी लोगों के मन में, कुछ सवाल थे लोगों के मन में कि ये अब अगले 21 दिन कैसे निकलेंगे। बिजनेस वाइज तो टेंशन है ही लोगों को, बट कभी घर में रहे नहीं ना इतने दिन, तो ये भी एक टेंशन है कि इतने दिन होगा क्या, हम लोग करेंगे क्या। तो कुछ बातें मेरे मन में आई तो मैंने सोचा आपसे बात करूं। तो सबसे पहले यह है कि हाँ, ये एक बड़ा मुश्किल सिचुएशन है, एक डिफ़िकल्ट टाइम है हम सब के लिए। प्रार्थना की तो बहुत सख्त ज़रूरत है, लेकिन प्रार्थना से पहले जो हमें करना है वो हमें करना चाहिए। मुझे कहानी याद आ रही है जो बचपन में हमने सुनी थी एंड काफ़ी हंसे थे इस कहानी पर हम लोग जब मैंने पहली बार सुनी थी। तो मुझे लगता है कि अगर ये कहानी आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक गाँव में ना बाढ़ आ जाती है, पानी आने लगता है गांव के अंदर, तो सब गांव वाले जो है अपने अपने घर छोड़ के गांव से बाहर जाने लगते हैं। तो ऐसे ही एक घर से लोग गुजरते हैं तो देखते हैं कि उस घर में जो इंसान है वो जाता ही नहीं, उसके सब परिवार वाले चले गए लेकिन वो अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं। तो उसको गाँव वाले बोलते हैं कि भाई तू चल, यहाँ रहेगा तो तकलीफ में आएगा, कुछ भी हो सकता है। तो कहते नहीं नहीं मुझे मेरे देव पे, मेरे भगवान पे बड़ा भरोसा है और मेरे भगवान मुझे बचाएगा। तो कहते भाई ठीक है, तू नहीं मान रहा तो ऐसे करके सब गांव वाले जो है वहां से चले जाते। पानी थोड़ा और बढ़ता है, बाढ़ और ऊपर आती है और उसका पहला माला जो है, उसका फर्स्ट फ्लोर जो है वो पूरा पानी में ढक जाता है। तो वो कैसे भी करके छत में आता है। तो छत में आता है तो देखते हैं वहां से एक बोट आ रही है। तो बोट में गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो है वह माइक से आवाज लगा रहे हैं, कौन बचे हुए हैं, आप आइए हम आपको लेके जाते हैं। तो इसके पास ही बोट आई और उन्होंने कहा कि चलिए रस्सी पकड़ आ जा। तो ये मानने को तैयार नहीं, ये कहता नहीं नहीं मेरा भगवान मुझे बचाएगा, मेरा देव मुझे बचाएगा, और ये बोट में बैठते ही नहीं है इंसान। फिर पानी और बढ़ जाता है, पूरी छत में भी पानी आ जाता है। तो हेलीकॉप्टर ऊपर से एक रस्सी फेंकता है कि भाई आ जा, रस्सी पकड़ ले, हेलीकॉप्टर में आ जा, तेरे को बचाने के लिए आए हुए। तो ये फिर भी बात नहीं मानता, कहता नहीं नहीं मेरा भगवान मुझे बचाएगा और मुझे उस पर विश्वास है पूरा। तो हेलीकॉप्टर वाला पायलट जो थे, जो जितने गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे, वो भी थक के हार के चले जाते हैं कि भैया मान नहीं रहा तो अपनी जान तो बचाएं हम लोग। और ऐसा करके पानी बढ़ते जाता है और फिर ये इसका घर डूब जाता है और ये इंसान भी डूब जाता है। जब इसकी मृत्यु होती है तो ये पहुंचता है ऊपर भगवान के पास, तो पूछता है, थोड़े नाराजगी में पूछता है, भैया आपको मैंने इतना याद किया, आपको मैंने इतना दिल से याद किया और आप आए नहीं मुझे बचाने के लिए। तो भगवान, अगर मैं अपनी भाषा में बोलूँ तो, एक चमाट लगाते हैं उसको, बोलते हैं नालायक, वो बोट और हेलीकॉप्टर किसने भेजी थी। तो ये कहानी जब मैंने पहली बार सुनी तो मैं हंसा था और छोटे थे, तो बस ये उस कहानी का जो एक तात्पर्य है, एक कहानी का जो एक मतलब है वो लिया मैंने कि भगवान तभी मदद करता है जब हम खुद की मदद करने को तैयार होते हैं। तो अथॉरिटीज़ ने, गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने तो ऐलान किया कि 21 दिन का लॉकडाउन है और इस बीमारी से हमें बचना है, इस वायरस से हमें बचना है। तो उसके लिए जो हमें करना है वो करना है, उसके बाद भगवान की प्रार्थना आती है। तो अगर हमने से प्रार्थना करी और हमने वो नहीं किया जो हमें करना चाहिए, सिर्फ हम ऊपर वाले को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं बचा ले, लेकिन जो प्रिकॉशंस लेनी चाहिए वो हम नहीं ले रहे हैं, तो फिर वो कैसे बचाएगा। मुझे लगता है कि भगवान ईश्वर जो है वो हमारी मदद तो कर रहे हैं, उनका मदद करने का तरीका अलग है। शायद वो मेडिकल ऑफिसर्स के रूप में हमारी मदद कर रहे हैं, दिन रात जो सेवा कर रहे हैं मरीजों की, पेशेंट्स की। शायद भगवान हमारी मदद कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं जो सड़कों पे लोगों को रोक रहे हैं, जो डिलीवरी बॉयज़ हैं जो हमें वो चीज़ें पहुंचा रहे हैं जो हमें चाहिए। तो शायद भगवान तो है इन सब के रूप में। अब हमने अपना काम करना है जो हमें करना है। तो अगले 21 दिन के लिए आई एम श्योर आपने अपने प्रोविजंस तो कर लिए होंगे अपने सर्वाइवल के लिए, अपना राशन पानी, दवाइयाँ, एंड गवर्नमेंट हैज़ प्रॉमिस दैट दे विल टेक केयर ऑफ थिंग्स। बट ये तो हो गया अपने सर्वाइवल की बातें, एक हो गया मेंटल प्रिपरेशन। तो मेंटल प्रिपरेशन का करना या होना बड़ा ज़रूरी है। तो मैं कुछ बातें रखूंगा आपके सामने जो विच विल हेल्प यू टू बी मेंटली मोर स्ट्रांग एंड मेक यू लिव दीज 21 डेज विद अटमोस्ट कॉन्फिडेंस एंड एंड पावर। तो आई वॉन्ट टू बिलीव दैट दिस इज काइंड ऑफ अ वॉर जोन, ये एक वॉर जोन है, हम एक युद्ध क्षेत्र में आ गए हैं। एंड ये वॉर टिपिकल कन्वेंशनल वॉर नहीं है, बट इट्स अ वॉर ऑफ, इट्स अ बायो वॉर। सो एक वायरस का एक अटैक हुआ है,
तो कोई देश ने हम पे आक्रमण नहीं किया है, बट एक वायरस ने हम पे आक्रमण किया है। सो ये कन्वेंशनल वॉरफेयर से हल्का अलग है कि जहां पर अथॉरिटीज या गवर्नमेंट जो है सोल्जर्स को डिप्लॉय करती है एट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस जहां से दुश्मन के आने का खतरा है, तो दुश्मन वहां आएगा तो वहां पर आपकी आर्मी की टुकड़ी जाएगी एंड दे विल टेक केयर ऑफ दैट एनिमी पॉइंट। ये वॉरफेयर ऐसा है कि ये दुश्मन कहीं से भी आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है, ये आपके घर के सामने आ सकता है, पड़ोसी के घर में आ सकता है। सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड दैट आज गवर्नमेंट ने हमें डिप्लॉय किया है, ईच वन ऑफ अस हैज बीन डिप्लॉयड एज अ सोल्जर, कि जैसे युद्ध क्षेत्र में कहते हैं कि नाउ यू विल टेक केयर ऑफ दिस सो एंड सो लोकेशन, तो गवर्नमेंट ने हमें बोला कि आपने अपने घर जो आपकी लोकेशन है आपने उसका ध्यान रखना है कि आपके घर में दुश्मन ना आ पाए। और हम सब सोल्जर्स हैं, हम सब वॉरियर्स हैं, और इस युद्ध में, इस वॉर में हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे कि हम उस दुश्मन को, उस वायरस को अपने घर में आने नहीं देंगे, इसलिए हम लॉकडाउन में रहेंगे, हम अपने घर में रहेंगे एंड वील बी एज स्ट्रांग वॉरियर्स। सो मुझे लगता है कि आप सबने बचपन में कहानियां सुनी होंगी और आप सबने वो वीडियोस देखे होंगे, पिक्चरें देखी होंगी, वेर समवेयर यू हैव सीन दीज वॉरियर्स, वेदर इट बी द इंडिपेंडेंस डे फाइटर्स, वेदर इट बी इंडो पाक वॉर और द इंडिया चाइना वॉर, तो हमने उस पर बहुत सी कहानियां सुनी हैं, बहुत सोल्जर्स हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी दी, जान दी। तो मन में बात रही होगी इन्होंने कैसे लड़ाई लड़ी होगी, तो वो उस समय का वॉरफेयर था और ये इस समय का वॉरफेयर है, तो आज हमने भी वो रोल अपनाना है एंड वी हैव टू स्टैंड अप लाइक सोल्जर्स। सो ये 21 दिन क्या बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इफ़ यू वुड थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पीपल हु फॉट फॉर द इंडिपेंडेंस, कि उनको कन्फाइनमेंट सेल में रखा जाता था, काला पानी की सजा होती थी एंड वो लोग हफ्ते हफ्ते महीनों महीनों उनको सूर्य दिखने को नहीं मिलता था, तो उसके मुकाबले ये क्या लॉकडाउन है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ये हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने देश के लिए कर रहे हैं, एंड आई फील द इंटायर वर्ल्ड एंड आई वांट टू बिलीव दिस कि पूरी दुनिया आज उनकी निगाह हम पे है, बिकॉज वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, 1.3 बिलियन पीपल। सो 130 करोड़ लोग कैसे बिहेव करेंगे, 130 करोड़ लोग इस बीमारी से कैसे जूझेंगे, 130 करोड़ लोग इस बीमारी से कैसे लड़ेंगे, आज दुनिया हम पे देख रही है। चाहे वो कितने भी एडवांस्ड होने दो, कितने भी अंडर डेवलप्ड होने दो, आज सबकी निगाह हम पे है कि हाउ विल इंडिया बिहेव, हाउ विल इंडिया फाइट दिस। तो आज शायद अच्छा मौका है हम दुनिया को बता दें, हमने हजारों साल से दुनिया को बहुत सी चीज़ें दी हैं, तो शायद ये मौका है कि इस बार भी हम दुनिया को बताएंगे कि एक वायरस से, एक बायो वॉरफेयर से कैसे लड़ा जाता है। एंड हम सब प्रण ले लें, एक निश्चय कर लें कि हम विक्टोरियस ही निकलेंगे, वी विल इमर्ज विक्टोरियस, वी विल फाइट दिस आउट फॉर आर सेल्स, फॉर आर कंट्री एंड फॉर द इंटायर वर्ल्ड। शायद हम ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल बन जाएं। और ये स्थिति तो टलेगी, जाएगी किसी न किसी रूप में, तो जाएगी, आगे हम इससे बाहर निकलेंगे, लेकिन ये कहानी कैसी बन सकती है हम पे निर्भर है। एंड आई एम ऑलवेज एन एडवोकेट ऑफ क्रिएटिंग स्टोरीज, की स्टोरीज बनाओ, ये लाइफ है, लाइफ में स्टोरीज तो होनी चाहिए। एंड आगे 10 15 20 25 साल बाद जब हम अपने बच्चों को, अपने पोतों को कहानियां सुनाएंगे, तो शायद हम भी एक सोल्जर के रूप में हमने कैसे बिहेव किया, हमने कैसे वो दिन निकाले, एक शायद हम कहानी सुना सकते हैं। तो आइए मिलके कहानी बनाते हैं और इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं अच्छे ढंग से। और बहुत से लोगों ने कहा कि सर करना क्या है 21 दिन, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा मौका है, बहुत सी चीज़ कर सकते हैं। मैं उस बारे में आपसे बात करूंगा आगे जाके, आगे वीडियोस में, आई टेल यू एज आई विल ऑल्सो लिव माई डेज, आई शेयर विद यू वट ऑल वी कैन डू, शायद उसमें से आप कुछ पिकअप कर लें। लेकिन कुछ दो तीन बातें हैं जो रखूंगा कि 21 दिन में आपने क्या नहीं करनी चाहिए। एक तो सबसे पहले ये व्हाट्सएप में आपके जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, इसके थ्रू कोरोना वायरस के ऊपर आप लोग रिसर्च करना बंद करिए। मतलब क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ से करना है, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको मिल जाएगी ना गवर्नमेंट से, तो और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको और क्यों चाहिए? आपको डॉक्टर बनना है क्या, साइंटिस्ट बनना है, तो फिर करिए रिसर्च, अदरवाइज व्हाई यू आर ऑन व्हाट्सएप, बिकॉज द लॉ ऑफ माइंड, इनफैक्ट ऑल साइकोलॉजिस्ट से कि जो आपको नहीं चाहिए उसके बारे में तो सोचना नहीं चाहिए ना। वो याद है आप जब जाते हो शॉपिंग लैब, जब जाते थे बाहर, तो आपको पार्किंग चाहिए होती थी, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है, अरे यार पार्किंग नहीं मिलेगी, पार्किंग नहीं मिलेगी, पार्किंग नहीं मिलेगी, बहुत भीड़ है, गाड़ियां होंगी, मुझे जगह नहीं मिलेगी, और आप इस सोच से गाड़ी चला रहे हो और पार्किंग ढूंढ रहे हो कि पार्किंग नहीं मिलेगी, और आपके सामने पार्किंग की जगह होती है और आप आगे निकल जाते। तो वो नहीं सोचना है जो नहीं चाहिए, हमें वायरस चाहिए क्या, तो नहीं सोचेंगे ना, नहीं बात करेंगे,
नहीं फॉरवर्ड करेंगे वो चीजें। और हमने सिर्फ एक काम करना है, हमने 21 दिन घर में रहना है और 21 दिन घर में हम रहेंगे और ना हम ये बातें सुनेंगे ना हम बातें करेंगे। तो प्लीज स्टॉप वॉचिंग एंड स्टॉप सीइंग व्हाट्स हैपनिंग इन द कोरोना वर्ल्ड। सेकंड, मुझे लगता है कि क्योंकि ये बड़ा मन में काम करता है। देखिए, आप जो सोचोगे ना, जो जैसे वो होता ना, कभी कभी आप गलती से हम लोग इंडियंस काफी गलती करते हैं कि हम लोग ट्रैफिक सिग्नल में हम सिग्नल जंप कर लेते हैं, हम रेड लाइट तोड़ के आगे निकल जाते हैं और तभी वहाँ ट्रैफिक कांस्टेबल देखते हैं कि बहुत सारे स्कूटर्स को गाड़ियों को रोक रहा है और हमें लगता है यार ये हमें ना रोक ले और हमें रोक लेते हैं क्योंकि हमारे मन में चल रहा है ना कि यार हमें ना रोक ले। तो जो आपके मन में चलता है फिर वो होता है। तो प्लीज ये सोचना बंद करिए और ये देखना बंद करिए। सेकेंड थिंग इज ये न्यूज चैनल्स भी देखना बंद करिए। देखिए, मुझे ऐसा विश्वास है जर्नलिज्म के ऊपर, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द जर्नलिस्ट, फॉर देम गुड न्यूज इज नो न्यूज। अच्छी खबर उनके लिए खबर होती ही नहीं, तो उनके लिए ब्रेकिंग न्यूज होती है, उनके लिए एक सनसनाती न्यूज होती है। तो वो लोग पॉजिटिव नहीं दिखाएंगे, उनकी मजबूरी है, वो पॉजिटिव कुछ खबरें नहीं बात करेंगे। तो आप दिन भर वही सब खबरें सुन रहे हो कि इतने लोग हो गए, ये हो गया, फलाना हो गया, और इमेजिन करो आप 21 दिन तक आप ऐसे सुनते रहोगे तो क्या होगा। 21 दिन तक आप ये खबरों में अटके रहोगे तो 21 दिन में जब बाहर निकलोगे तो या तो जर्नलिस्ट बन के निकलोगे कि आप बाहर निकलते बोलोगे आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है, या फिर आप बहुत ही नेगेटिव होकर निकलोगे। तो प्लीज स्टॉप वॉचिंग न्यूज, मे बी कुछ 10 मिनट देखना देख लो, बस बात खत्म हो गई। ये दिन भर वो टेंटे टेंटे लगा के मत रखो यार घर में। एंड थर्ड थिंग, सिंपल चीज है, प्लीज अच्छे बन के रहो ना घर में। घर वालों की क्या गलती है कि तुम घर पे हो, दाढ़ी बड़ी हुई है, कपड़े ऐसे पहने हुए हैं, बनियानों में घूम रहे हैं। अरे दरिद्र बन के मत रहो यार, इट्स टाइम टू स्टे गुड एंड स्टे एट होम। हमेशा हम तैयार होते हैं बाहर जाने के लिए, अब हम तैयार होंगे घर में रहने के लिए। तो घर का माहौल अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है, वाइब्रेशन अच्छे फैलते हैं। तो दरिद्र ना फैलाओ, क्योंकि वायरस भी सोचता है ना वो कौन सा घर है जहां जाऊं। तो जो घर दिखता है ना जहां पर एंट्री कर सकते हैं, यार ये तो वैसे ही मरा हुआ है, शक्ल से मरा हुआ है, कपड़ों से मरा हुआ है, घर के माहौल से मरा हुआ है, तो वो वायरस बोलेगा यार यहीं जाओ, ये वीक घर लगता है मुझे। आपको देख के उसको लगना चाहिए यार यहां सोल्जर है, यहां पर इसको तो चिंता ही नहीं है, ये तो एकदम बिल्कुल तैयार है, एकदम लड़ने के लिए एकदम तैयार बैठा हुआ है। ऐसा वायरस को लगना चाहिए आपको देख के, उसके हौसले एकदम पस्त हो जाने चाहिए। और तो घर में अगरबत्ती की खुशबू आनी चाहिए, थोड़ा सा पूजा पाठ करिए, शंख बजाइए, घंटियां बजाइए, सुबह शाम पूजा होनी चाहिए, साफ सफाई करिए, वार्डरोब्स को साफ करिए, बुक शेल्फ साफ करिए, कुछ समथिंग पॉजिटिव हैज टू हैपन एट होम। एंड यू शुड फील गुड व्हेन यू लुक एट ईच अदर, कि आप बच्चों को देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं बच्चा ऐसे भी तैयार होते हैं, बच्चे भी आपको देख रहे हैं पापा घर में तैयार होकर ऐसे बैठते हैं। तो वाइफ भी, आप लेडीज, आप तो लगाइए अपना लिपस्टिक पाउडर जो लगा के आपको अच्छा बन के रहना है, कभी घर वालों के लिए भी तैयार हो जाया करो। तो मुझे लगता है कि ऑल ऑफ अस कैन लुक गुड फॉर ईच अदर, ऑल ऑफ अस, एंड वी कैन क्रिएट सम पॉजिटिव वाइब्स विद ईच अदर, बिकॉज हाउ वी फील इन दीज 21 डेज इज मोर इम्पॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट कम्पेयर टू सर्वाइवल। तो बाकी मैं बातें करूंगा आपसे आगे जाके। तो हम सब वॉरियर्स हैं, ये एक युद्ध क्षेत्र में हैं हम, एंड बायो वॉरफेयर चालू है, एंड उसका हमें एक गवर्नमेंट की तरफ से एक हमें एरिया दिया गया है, और एरिया है हमारा घर। हमने अपने इस घर को, ये हमारा इसको बचा के रखना है, ये हमारा अड्डा है, हमारा डेरा है, हमारा छावनी है, ये छावनी बरकरार रहनी चाहिए। और हम दुनिया को दिखाएंगे कि हम हिंदुस्तानी, हम इंडियंस, हम भारतीय, हमने कैसे इस वायरस का सामना किया। तो उम्मीद करता हूँ इस वायरस को हम लोग अच्छे मिलके हैंडल करेंगे, एंड वील फाइट इट टुगेदर इन अ वे विच विल मेक मोदी जी प्राउड, विच विल मेक दिस कंट्री प्राउड, विच मेक ऑल इंडियंस एवरीवेयर एंड द एंटायर ह्यूमैनिटी प्राउड। लेट्स गिव अवर बेस्ट टू फाइट दिस वायरस इन द नेक्स्ट 21 डेज। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी सेफ, बी नाइस, एंड वुड लव टू हियर योर स्टोरीज।